हैं जहाँ पर आप एक राखी बहन सिखाएंगे जो कि अपनी भाभी के लिए बना सकते हैं रक्षाबंधन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक सर्कल लिया है, उसको मैं ऐसे फोल्ड करूँगी और फिर ऐसे डबल, तो ये ऐसे क्यूब बन गया है। तो अब मैं इसे अच्छे से प्रेस कर दूँगी और फिर मैं इसके ना जो मिडल पार्ट सा आता है ये देखिए, ये मैंने इसे काट लिया है। ओके, तो अब मैं फेविकॉल ले रही हूँ फेविकॉल, और इसको मैं ना ऐसे करूँगी और ग्लिटर, जो ग्लिटर वाली साइड है मैं उसमें फेविकॉल लगा दूँगी थोड़ा। ओके, और फिर इसको यू करके अंदर की तरफ को बना के पेस्ट कर दिया। पर थोड़ा सा इस दोनों साइड पे ग्लू लग जाए तो मैं क्या करूँगी, मैं कलावा लूँ। तो अब मैं कलावे को खोलूँगी और मैं उसमें से थोड़ा सा ही लूँगी, देखिए इतना, सिर्फ इतना लूँगी। इतना लेने के बाद मैं इसके ये जो होल्स हैं ना ये दो, इसके बीच में डाल दूँगी, इसके बीच में। और इसको पेस्ट नहीं करना है हमको, हमें बस इस फोम शीट को पेस्ट करना है। तो अब इस फोम शीट को पेस्ट करने के बाद ये थोड़ी देर प्रेस करिए, प्रेस करते ही हम इसको स्टेपल कर देंगे थोड़ा ताकि टिका रहे ना। तो मैंने अब इसे स्टेपल कर दिया है, और स्टेपल करने के बाद मैं कलावे को अंदर बाहर करूँगी ताकि एक ही पोजीशन में ना रह जाए। ओके, तो अब ये मेरा कलावा एकदम सही हो चुका है। अब मेरा कलावा एकदम सेट हो चुका है, और इसमें मैं एक नॉट लगा दूँगी, बहुत ही मोटी नॉट, जैसा कि इसमें लगी हुई है। देखिए मेरे दूसरे वाले में ऐसी नॉट लगी, तो मैं इसमें भी ऐसी नॉट लगा दी। चलिए आप भी लगा दी। तो मैंने ना एक बहुत ही मोटी नॉट लगा चुकी हूँ मैं, जिसकी आप देख सकते हैं रेड रेड, ये मेरी नॉट है, जिससे देखिए ये खिंचेगा तो ये निकलेगा नहीं ये धागा। ओके, तो अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी। इसके लिए मेरे को चाहिए होंगे ऐसे कुछ मोती। ओके, तो अब मैं इसके साइड में मोती लगाऊंगी, जो कि मैं ये मोती ले रही हूँ। मैं इसकी एक बीट उतार के, इसके बीट उतार के, और देखिए इसके ना मैं हाथ पर लगाऊंगी, देखिए ऐसे कितना क्यूट लग रहा है ना। हाँ, और ऐसे ही मैं सेम लगा दूँगी। ओके, तो अब हमारे बीट्स तो है लग गए, तो अब हमें बनाना है नीचे का ये फर। इस फर को बनाने के लिए मैं एक धागा ले रही हूँ, और धागे को अपनी फोर फिंगर्स में ऐसे लपेटूंगी, जैसे आपने अगर देखा होगा पॉम पॉम बनाते हैं हम, वैसे ही हमें इसका बनाना है। वैसे मैं अच्छा खासा मोटा लपेट लूँगी, देखिए मोटा बन चुका है, और अब मैं इसे अपने हैंड से निकाल लूँगी, ये कुछ ऐसा लगेगा। और फिर मैं और धागा लेकर, ठीक, और धागा लेकर छोटा सा पार्ट काट लूँगी। अब मैं इस धागे के बीच में इसको यूँ ऐसे करूँगी, और इस धागे को थोड़ा फ्लैट रख करके इसके बीच में ऐसे लगता, इसको कर दूँगी मैं टाई। ओके, अब ये मेरा टाई हो चुका है, और अब मैं इसको इसके कॉर्नर में से यूँ काट दूँगी। तो ये ऐसे इक्वल हो जाए, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ब्रश लूँगी और इसके ऊपर ऐसे ब्रशिंग करूँगी। तो देखिए मैं ऐसे ब्रशिंग कर रही हूँ, देखिए, ताकि ये स्ट्रेट हो सके। तो ओके, आप भी ऐसे एक्स्ट्रा ये निकल रहे हैं, तो हम इसकी वजह से, ब्रशिंग की वजह से हम इनको काट सकते हैं ताकि ये इक्वल से हो जाए। वरना देखिए जैसे मैंने इसके ऊपर ऊपर वाले के ऊपर थंब रख के ही करिएगा, वरना सारे धागे इसके थ्रू निकल के और कट जाए। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं काट दूँगी, एक्स्ट्रा।
यही तो मैं इसे काट रही हूँ, साइड बाय साइड ब्रशिंग भी कर रही हूँ इसकी, तब तक ये अच्छा से देखिए हो चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इस फोम शीट के अंदर मैं फेविकॉल लगाऊंगी। इस देखिए फोम शीट के अंदर मैं ऐसे फेविकॉल लगाऊंगी और फेविकॉल के अंदर मैं इसमें डाल दूंगी यू ऐसे। इसको ना ये फर को ऊपर रखना है ऐसे, जो ऊपर का पार्ट था ना उसको ही प्रेस करना है इसमें, ताकि मॉड पॉज में अच्छे से हो जाए। फेविकॉल मॉड पॉज आप कुछ भी ले सकते हो इसको पेस्ट करने के लिए। तो अब देखिए इसको सूखने देते हैं। अभी सूख चुका है और अब मैं क्या करूँगी, अब देखिए अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपनी रक्षाबंधन वाले दिन में अपनी भाभी को बांध दूँगी। तो ओके, आप भी मेरी तरह ऐसी राखियाँ बनाइए और अपनी भाभियों को सुंदर सुंदर राखियाँ बांधिए। देखिए देखा आपने,